खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। महू में कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत शुक्रवार को बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिता के साथ हुई। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई थी, जिसमें लगभग 26 स्कूलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्पर्धा प्रभारी कांता सोनाड़ी पार्षद ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कंचन सिंह चौहान, रेखा शुक्ला, अशोक वर्मा पार्षद, पीयूष अग्रवाल, जितेंद्र शर्मा पार्षद, शिव शर्मा आदि थे। इस दौरान कैंटोनमेंट बोर्ड के मनीष अग्रवाल द्वारा मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। आज बच्चों के लिए हमने सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन की, उसके बाद प्राइमरी सेक्शन की चार सेक्शन और मिडिल सेक्शन के लिए 200 मीटर की और एक तीन टन। कितने स्कूलों ने भाग लिया था आज? हमारे यहाँ 25 स्कूलों ने भाग लिया। इसमें सभी प्रतियोगिता हो गई? नहीं, कल हमारी बॉयज की है, गर्ल्स की आज सारी। आज कैनबोर्ड महू के द्वारा सभी स्कूलों के अंतर विद्यालय जो है स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं कराई गई थी। आज प्रथम दिवस में बालिकाओं के लिए बहुत सारे आयोजन हुए थे, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस, चेयर रेस, साइकिल रेस, उसी के साथ में रस्साकशी जैसी बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी। तो इसमें आज हमारे विद्यालय श्री अकेडमी के सभी प्रतिभागियों ने, बालिकाओं ने यहाँ पर हिस्सा लिया, जिसमें 400 मीटर में खुशबू सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, बैचलर राइडिंग रेस में सेजल सैन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, सानिया खान ने 200 मीटर रेस के अंदर द्वितीय स्थान प्राप्त किया, श्री अकेडमी की रस्साकशी टीम ने इस मैच में प्रथम स्थान प्राप्त किया। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।